नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। रातीबड़ में एक स्कूली छात्रा से गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये वारदात एक युवक और 3 नाबालिग छात्रों ने मिलकर की है। आरोपियों ने 9 महीने तक जायदाद की बदनाम और जान से मारने की धमकी देकर डराया। गर्भवती होने पर पूरे घटनाक्रम का पता चला। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 9 महीने तक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता को बदनाम और जान से मारने की धमकी देकर डराया भी। मामले का खुलासा पीड़िता के गर्भवती होने पर पता चला। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों ने स्कूल में ही छात्रा से गैंगरेप किया। एएसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि घटना अक्टूबर 2020 से अब तक की है। 14 साल की छात्रा 9वीं में पढ़ती है। उसने बताया कि 1 अक्टूबर को उसे स्कूल में 9वीं के छात्र ने स्कूल में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने अपने एक और दोस्त को बुला लिया। इसके बाद उसे डराया धमकाया गया, उससे मारपीट भी करते थे। उससे करीब 9 महीने तक इस तरह चारों दुष्कर्म करते रहे। इस बीच नाबालिग गर्भवती हो गई। इसके बाद भी उसे डरा धमका कर ज्यादती की जाती रही। तबीयत के खराब होने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसके गर्भवती होने के बारे में बताया। परिजनों ने लड़की का बच्चा गिराने का प्रयास किया, लेकिन समय अधिक होने के कारण डॉक्टरों ने मना कर दिया। मजबूरी में परिजनों ने रातीबड़ पुलिस को सूचना दी। 3 आरोपी नाबालिग हैं, जबकि चौथा आरोपी 21 साल का है। 3 बच्चे उसी स्कूल में 9वीं के छात्र हैं। चौथा आरोपी एक होटल में काम करता है। पुलिस इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कोर्ट में चालान पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट के निर्देश पर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। ये जो आरोपी हैं, इनमें से एक बालिग है और बाकी 3 नाबालिग हैं, और ये लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और एक जो बालिग है वो कुछ नहीं करता, अभी घूमता फिरता। बच्ची भी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसने कुछ समय से ड्रॉप आउट ले लिया था, नहीं पढ़ती। ये घटना तो बच्ची ने 2020 में बताई थी, करीब 9-10 महीने पहले की घटना बता रही है बच्ची। और उसके साथ उसी समय दो बार इन लोगों ने घटना कारित करी है, जिसमें फिर FIR हमने दर्ज करी। हाँ, इसको गैंगरेप कहा जा सकता है, क्योंकि किया तो वही उन लोगों ने साथ में मिलकर। अब वो किस प्रकार से किया है बच्ची के बयानों में और आगे। ये घटना का खुलासा जब बच्ची में गर्भधारण हो गया और उसके पेरेंट्स को शक हुआ, तो उन लोगों ने फिर हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों को दिखाया। वहाँ डॉक्टरों ने जब ये बात बताई, तब उन्होंने अपनी बच्ची से पूछा, तो बच्ची ने बताया। बच्ची नाबालिग है तो क्या ऑब्वियसली पॉक्सो एक्ट लगेगा।